नमस्ते दोस्तों, मम्मी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम आपको चना, आलू और कद्दू का सब्जी बनाना बताएंगे। ये बहुत स्वादिष्ट और टेस्टी सब्जी बनाएंगे और आप इसी तरीका को आप लोग भी बनाइए और इसका यूज कीजिए। तो चलिए हम कैसे बनाते हैं वो भी आप देख लीजिए। गैस जला लेते हैं, कुकर रख के इसे गरम कर लेते हैं। इसमें तेल रख देते हैं, कुकर गरम हो गया था। उसके बाद हम तेल रख के गरम करेंगे। पहले हम जीरा और अदरक और लहसुन डालेंगे। जीरा डाल दिए, अदरक डालें और लहसुन को हमने जितना मुझे ज़रूरत था उसे हम ले लिए। जीरा चटक गया, उसके बाद प्याज डाल देते हैं। उसके बाद हम मिर्चा डाल देते हैं। उसके बाद हम आलू डाल देते हैं और इसे हम भून लेते हैं। उसके बाद चना, कद्दू को डाल देते हैं और इसे हम प्याज के साथ इसे हम भून लेते हैं। स्वाद अनुसार नमक और हल्दी और कलर के लिए थोड़ा मिर्चा लिए हैं और गरम मसाला, इसे हमने दरदरा कूट लिया है। लौंग, इलायची, दालचीनी, सजीरा सब इसे हमने कूट लिया है। और इसे हम पहले भून लेते हैं। उसके बाद हम मसाला डाल देंगे। इसे ढककर 5 मिनट भून लेते हैं। पहले सब्जी भुना गया और इसमें हम 1 कटोरी पानी डालेंगे, इसलिए कि इसमें कद्दू है ये पानी खुद छोड़ेगा और इसी से सब्जी गल भी जाएगा और इसका ग्रेवी भी हो जाएगा। और इसे हम सीटी लगा देते हैं, 4 सीटी में इसे हम गैस को बंद करेंगे। गैस हम बंद करते हैं। 5 मिनट के बाद सीटी हम खोलेंगे। ठंडा होने के बाद ठंडा 5 मिनट हो गया, इसे हम अब कुकर खोल देते हैं। देख, चना मटर का, कद्दू, आलू और चना का सब्जी बनकर तैयार हुआ। इसे हम आप लोगों के साथ सर्व कर देते हैं।
कद्दू आलू और चना का सब्जी बनकर तैयार हुआ। इस तरीके को आप लोग भी अपनाइए और बनाइए, बहुत टेस्टी सब्जी बनता है। पराठा के साथ खाने में या चावल भुजा के साथ खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। इस तरीके को आप लोग अपनाइए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए रेसिपी के साथ, तब तक लिए थैंक।